हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। यही क्लास नाइन्थ लास्ट जो हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे, तो उसी से आगे जो क्वेश्चन हमारे पास थे, इसके तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे और क्वेश्चन जो थे 4, 5, 6 तीन बाकी थे इसके, तो उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है नंबर 4 कि इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ये फिगर बना रखा है हमने, जो पी क्यू लाइन है वो पैरल है किसके, एस टी के। बिल्कुल, ये आगे बढ़ेंगे तो एस टी के पैरल जाएगा और एंगल पी क्यू आर दे रखा है आपको 110 डिग्री, ठीक है, और एंगल आर एस टी दे रखा है आपको 130 डिग्री। तो फाइंड करना है आपको क्यू आर एस, राइट। तो हमको यहाँ पे हिंट भी दे रखा है और हिंट के साथ साथ हम एक वही काम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लाइन जो है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और ये दे देते हैं हम इसका नाम M, ठीक है, M नाम दे दिया हमने इसको। तो अब हमारे पास जो एंगल है, मतलब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ है, देखो पहले हम इसको समझा देता हूँ मैं। ये 130 डिग्री है, राइट। अब देखो आपने इसमें जेड आकृति बन रही है, ये ऐसे नीचे जाना नहीं, नहीं नीचे यहाँ पर आओ और यहाँ से यहाँ मुड़ जाओ, ठीक है, यानी आकृति बन रही है आपकी, वैसे बन रही है, ठीक है, ऐसे, राइट। एक एंगल दे रखा है आपको यहाँ पे 130, तो दूसरा एंगल ये वाला भी कितना होगा, 130 होगा या नहीं। किस वजह से होगा ये एंगल 130, अल्टरनेट एंगल की वजह से, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, राइट। तो इसमें जब ये एंगल 130 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हमें निकालना तो एंगल ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, एंगल तो ये वाला फाइंड करना है हमारे को। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये 130 है, ठीक है, तो इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये एक लीनियर पेयर है भाई, आप देखिए इसको, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक ही लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल है, पूरा पूरा एंगल कैसा है, लीनियर पेयर में, ठीक है। ऊपर वाला आधा 130 है, तो नीचे वाला कितना हो सकता है, पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 130 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 50, ठीक है, यानी नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, राइट, ये 50 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास जो ये वाला एंगल और मिल जाए, ठीक है, ये वाला एंगल, ये भी क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी पे ही है, ये 110 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा 180 की वजह से। भाई ये पूरी पूरी लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये जो क्यू आर लाइन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये 110 डिग्री हो गया, तो 180 में से माइनस कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस के 110 कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 ये वाला और 50 ये वाला, क्योंकि ये तो क्या बन गया, तीनों ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल में तीनों एंगल जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 70 ये 50 कितने हो गए, 120, तो 180 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, तो 180 में से माइनस करो 120 हो तो कितना आया, 60, तो ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 60 डिग्री, यानी कि आंसर जो हुआ आपका एंगल क्यू आर एस वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बस अब यही काम हमको करना है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्योंकि पहले रफली समझ में आ जाए तो बाकी काम आपका आसानी से हो जाता है। तो प्रोड्यूस पी क्यू हमने प्रोड्यूस किया है टू इंटरसेक्ट एस आर इन अ पॉइंट एम, ठीक है। नाउ पी एम पैरल टू एस टी एंड ट्रांसवर्सल एस एम इंटरसेक्ट देम, ठीक है, ट्रांसवर्सल एस एम है वो इंटरसेक्ट करता है आगे इसको एट पॉइंट एम, ठीक है, एट एम एंड एस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको खुद को ही सोच कर लिखनी है, जैसा आपने इसमें
किया था, मैंने कि जैसे आपने डायग्राम बनाया है, आप एक लाइन आगे बढ़ाई है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कि पी क्यू को हम आगे बढ़ाते हैं ऐसा इन्हें पॉइंट एम तक, ठीक है, जिससे पी एम जो है पी एम पैरल हो जाएगा किसके, एस टी के, राइट। अब देखिए एंगल मैंने बताया था, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, इनका नाम क्या है, इसका नाम है एम एस टी, या फिर हम कह सकते हैं टी एस एम, ठीक है। तो एंगल एस एम क्यू, एस एम क्यू यानी ये वाला एंगल जो नया बना है वो बराबर हुआ किसके, टी एस एम के। क्यों है ये, ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये है अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल आप जानते हो एस एम क्यू कितना है, एस एम क्यू कितना बन जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, जब ये 130 डिग्री है तो ये 130 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास जो एंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर यानी कि नीचे वाला, वो हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस, क्योंकि ये क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है। दो तीन प्रॉपर्टी से ज्यादा काम आ रही है, लीनियर प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए कैसे कैसे, बस डायग्राम को देख के आपको पता चल सकता है, और कोई वैल्यू नहीं है इसको चेक करने की। तो एंगल एस एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम आर इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, इस वजह से क्योंकि ये लीनियर पेयर, ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्यू एम आर का मान कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री का मतलब ये वाला हो गया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। अब हमारे पास ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, कौन सा एंगल है, ये है पी सॉरी हाँ पी क्यू और आर, ठीक है, कौन सा है, पी क्यू आर, ठीक है, ये 110 डिग्री दे रहा है, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल पी क्यू आर प्लस आर क्यू एम, ये एंगल ये कौन सा है, आर क्यू एम, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 110 डिग्री प्लस आर क्यू एम बराबर 180 डिग्री। तो आर क्यू एम कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 70, ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपके पास 70, ये 70, ये 50, 120, ठीक है, उसी से निकाल लेंगे। तो क्यू आर एस निकालना है हमको, क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50, कितना बचा, 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है सम का, 180 डिग्री होता है ना, इस हिसाब से 180 में से माइनस कर दोगे आप, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल तो बन रहा है, ये एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है, बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है, आ देख सकते हो, ये आप मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्यू है, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये वाला हमें निकालना था, ठीक है, प्लस इस हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ गई 60 डिग्री, जो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, देखिए 5th में कह रहा है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू है सी डी और एंगल है ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल पी आर डी बराबर है 127 डिग्री, फाइंड करना है हमको एक्स एंड वाई। तो डायग्राम बना देता हूँ, आलो डायग्राम बना बनाए मिलेगा, ठीक है, नहीं समझना आप लोगों को ये डायग्राम को, ये बिंदु पी है, ठीक है, एक ट्राइंगल यहाँ मतलब कि इस तरह से
लाइन यहां पर भी है, सी डी लाइन, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है, ये एक्स और ये वाई है, ये दे रहा है आपको 50 डिग्री, ठीक है, और ये दे रहा है आपको 127 डिग्री। तो बोला है पी आर डी, ये पी बिंदु है, पी आर डी 127 और ए पी क्यू कितना दिख रहा है 50 डिग्री, ठीक है। तो आप फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। इसमें भी क्या होगा, इसमें वही चीज बनेगी कि आपके पास अल्टरनेट एंगल और इस तरह से वैल्यूज को फाइंड करके हमें वैल्यू करना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो एंगल पी क्यू आर जो एक्स है ये, आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट एंगल देखो आप, ये बन रहा है जेड आकृति बन रही है, देखो सिंपल सी साफ नजर आ रही है, ये लाइन जा रही है आपकी, ये ऐसी लाइन गई, ठीक है, और ये ऐसी लाइन गई, साफ दिख रहा है आपको ये जेड आकृति, दिख रहा है या नहीं, साफ दिख रहा है। इसमें आपके पास अगर ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, तो एक तो साफ नजर आ गया कि एंगल एक्स कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो दिख लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल ए, तो पी क्यू आर बराबर है ए पी क्यू के, क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बराबर 50 डिग्री, राइट। अब हमारे पास देखिए ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, एंड ट्रांसवर्सल टी आर इंटरसेक्ट देम एट पी एंड आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो टर्म है देखो ध्यान से, इसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ट्रांसवर्सल पी आर, पी आर इंटरसेक्ट करता है किसको, पी को और आर को, दोनों को, ठीक है। तो जब आपके पास दो पैरेलल लाइन पर दो पैरेलल लाइन है और इस पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आपके पास क्या बनता है भाई, ट्रांसवर्सल लाइंस बनती है ना भाई, ये बिंदु पी है और ये आर है, तो वही इंटर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटर इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल, ये सब की प्रॉपर्टी काम आएगी जो हमने पढ़ रखी है। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो एंगल होगा ए पी आर, आप ध्यान से देखना उसमें ए पी और आर, यानी कि पूरा एंगल, ठीक है, ये देखो आप ए पी आर, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए पी आर डी के, पी आर डी के यानी कि बराबर बड़े वाले इस वाले होना चाहिए बराबर, क्यों, क्योंकि वही है, ये अल्टरनेट एंगल है, इस हिसाब से देखो ये जा रहा है, ठीक है, ये एंगल जो है पूरा बड़ा एंगल, तो छोटे वाला एंगल तो छोटे के बराबर है, लेकिन पूरा बड़ा एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है, बार वाले के, राइट। तो देखिए हमारे पास ए पी आर बराबर हो गया किसके, एंगल पी आर डी के, तो एंगल ए पी क्यू, जो ए पी आर क्या है, ए पी क्यू प्लस क्यू पी और आर, ठीक है, दो एंगल से मिलकर बना है, और एंगल पी आर डी कितना है भाई, ये है 127 डिग्री, तो ए पी क्यू इतना हमें दे रखा है 50 डिग्री, और क्यू पी आर निकाल लेते हैं, क्यू पी आर का मतलब वाई, ठीक है, क्यू पी आर का मतलब क्या है वाई, वाई किस निकल जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 77 डिग्री, राइट। तो एक्स बराबर हो गया 50 डिग्री और वाई बराबर कितना हो गया 77 डिग्री। तो दोनों में अल्टरनेट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो काम आई है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो काम आई है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास काम कर गई। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बुक में से देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि पी क्यू एंड आर एस, देखिए आप ध्यान से, पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, ठीक है, और प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे पैरेलल प्लेस हुए हुए हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक रे ए बी है वो स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर, ठीक है, मिरर पी क्यू के ऊपर एट पॉइंट पी बी के ऊपर, ठीक है, द रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है यहाँ से और वो रिफ्लेक्ट होकर मूव करके बिंदु सी पर आकर स्ट्राइक करती है, और वो जो मिरर है वो क्या है, आर एस, ठीक है, तो आर एस पर एट सी पॉइंट पर अगेन रिफ्लेक्ट करती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है तो सी डी रे बन जाती है। तो प्रूव करना है हमको कि ए बी जो रे है और सी डी जो रे है वो कैसी है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, ए बी रे और सी डी जो रे है आपस में कैसी है पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसी को हम प्रूव करेंगे, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, तो देखिए जरा ध्यान से डायग्राम क्या होगा। हमारे पास ये और ये दो, ठीक है, और ये यहाँ पर पैरेलल, ठीक है, हम प्रूव करना है ये जो रे है ए बी और सी डी जो रे है वो आपस में कैसी है, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर ऐसे ऊपर जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर यहाँ पर यानी कि एक लंब चीज कर ली, ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे वन एंड टू है, ठीक है, सो वन और टू मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं हम यहाँ पर थ्री एंड फोर है, राइट, तो वन एंड टू, थ्री एंड फोर, चार एंगल में इसको डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है, दो मिरर है हमारे पास, राइट। तो जो बी एन, अब देखो यहाँ पर ये इसका नाम देता हूँ, ये एन है और ये एम ले लेते हैं, ठीक है, तो बी एन एंड सी एम आर द नॉर्मल्स, ठीक है, नॉर्मल्स हैं, नॉर्मल्स मतलब कि लंबवत, नॉर्मल्स टू द प्लेन, टू द प्लेन मिरर्स पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सिंस बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, बी एन जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, राइट है बिल्कुल, और ऐसे ही सी एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर, इसके ये है आर और ये है कितना है आपस एस, ठीक है, ये आर एस है, ठीक है, और इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो बी एन है परपेंडिकुलर किसकी हो जाएगी, आर एस के, ठीक है, तो बी एन पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एम के, देख सकते हो आप, अगर बी एन परपेंडिकुलर किसके हो गया, आर एस के, क्योंकि ऊपर लाइन बड़ा हो गया तो बी सी की वैल्यू यहाँ तक आएगी, क्योंकि जब हमको पता है कि पी क्यू और आर एस दोनों परपेंडिकुलर हैं और एक लाइन अगर पी क्यू के लंबवत है, ठीक है, तो वो इस वाले के भी लंबवत होगी, ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा कि बी एन परपेंडिकुलर किसके हो गया, सी एम के, राइट। तो अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से कि आपके पास क्या बना, जेड आकृति बन रही है, ध्यान से देखना आप, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रही है, कैसे बन सकती है, मैंने आपको बताया था कि जेड आकृति बननी चाहिए, कैसे बन सकती है, तो एंगल जो आपके पास है ये वाला, ये, ठीक है, और ऐसे एंगल है आपके पास ये वाले, ठीक है, तो एंगल यहाँ पर वन है या टू है, ये थ्री है और ये फोर है, तो एंगल जो आपके पास सेकेंड नंबर का है वो थ्री नंबर के इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल इक्वल होना चाहिए, तो एंगल नंबर टू इक्वल टू एंगल नंबर थ्री बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है, इनमें सारी सारी बात जो होती है वो बस डायग्राम समझने की होती है कि कैसे आकृति बन रही है। ये वाली जो एंगल है वो एंगल नंबर 3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए इसी हिसाब से हमारे पास रिफ्लेक्शन रो से एंगल नंबर 1 जो है वो एंगल नंबर 2 के बराबर होना चाहिए। रिफ्लेक्शन रो आपने साइंस में पढ़ा है ना कि अगर लाइन जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। एंगल जो है वो आने का मतलब कि प्रोड्यूस होने का और रिफ्लेक्ट होने का एंगल इक्वल होता है। तो एंगल नंबर 1 बराबर किसके होना चाहिए? 2 के। और एंगल नंबर 3 बराबर होना चाहिए एंगल नंबर 4 के, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब देखिए आप एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 कर दूं, दोनों में मैंने जोड़ दिया, मैंने यहां पर भी एंगल नंबर 1 में 2 जोड़ दिया और 2 में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने 3 के अंदर, ठीक है, मैंने यहां पर भी क्या किया एंगल नंबर 4 में 3 जोड़ दिया और 3 में भी दोनों के अंदर 3 जोड़ दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो आप जो एंगल नंबर आपके पास 1 है और एंगल नंबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल नंबर 2 डबल हो जाएगा यहाँ पे। और सेम यहाँ पर हो जाएगा एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 बराबर 2 ऑफ एंगल नंबर 3। ठीक है, देखिए अब एंगल नंबर 1 और 2 यहाँ से देखिए आप, एंगल नंबर 1 प्लस 2 क्या है? 1 प्लस 2 क्या है आपका? कौन सा एंगल है ये? बी सी डी है ना, एंगल नंबर क्या है आपके पास? बी सी और डी। और ये देखिए आप एंगल नंबर 3 और 4 क्या है? ए बी सी। एंगल नंबर यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपके पास, भाई एंगल नंबर ये जाएगा 2 ऑफ एंगल नंबर 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एंगल ए बी सी बराबर 2 ऑफ एंगल नंबर 3। हम जानते हैं कि एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, हम जानते हैं एंगल 2 जो एंगल 3 के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो उनका डबल भी बराबर होगा। मतलब ए बी सी डी एंगल जो है वो ए बी सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी के। ठीक है, होगा बराबर। तो इस हिसाब से हमारे पास ए बी एंड बी सी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल बी सी, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल बी सी। ठीक है, तो एंगल ए बी सी बराबर जो बी सी डी के है, बी सी डी के है, तो अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, आर इक्वल देन ए बी बराबर, ए बी परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। ठीक है, मतलब आप हम कहना चाह रहे हैं कि एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी ये बराबर है किसके? बी सी डी के, यहाँ पर पूरे के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो लाइनें आपके पास कैसे हो जाएंगी? ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी दोनों, तभी तो ये लाइन क्या करेगी? ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी बी सी। बी सी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल बनेगी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल तभी बराबर होते हैं। और फिर प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर दो एंगल बराबर हैं और एक लाइन उसको ट्रांसवर्सल कर रही है यानी कि ब्रेक कर रही है, तो बनी हुई दोनों लाइनें कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी पहले भी, ठीक है, पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ए बी पैरेलल किस हो जाएगा? सी डी के। दोनों ही प्रॉपर्टीज है हमारे पास, अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों लाइनें कैसी हैं जिस पर वो एंगल बन रहे हैं, वो एंगल लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ए बी और सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल बी सी, दो लाइनें हैं जो एक लाइन से ट्रांसवर्सल हो रही हैं, तो इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो इससे से हमारे पास क्वेश्चन सारे कंप्लीट हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।